ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष गुरु जी पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने वाले महाशिवरात्रि पुण्य पर्व के विषय पर। देखिए, शिवरात्रि वैसे तो प्रत्येक मास में आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार ही आती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो होती है, ये महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। शिव शक्ति के मिलन की रहस्यमय अद्भुत रात्रि है ये। इस रात्रि को भगवान शिव के भक्त भगवान शिव का भजन पूजन यजन करके उनको प्रसन्न करते हैं और अपने जीवन से किसी भी प्रकार का कोई संकट है, किसी भी प्रकार का कोई ताप है तो उसका शमन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार के ताप से आप पीड़ित हैं तो भगवान शिव का यदि आप भजन यजन पूजन महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धावंत होकर के करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से निश्चित रूप से आपके जीवन का हर प्रकार का जो संकट है वह समन हो सकता है। तो बात करते हैं महाशिवरात्रि पुण्य पर्व का जो व्रत है ये आपको किस तारीख को करना है और भगवान शिव की पूजा में ऐसी कौन सी आवश्यक बातें जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तीन बातें तो विशेष रूप से आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि अधिकांश हम लोग जब पूजाओं में जाते हैं तो देखते हैं अधिकांश लोग ये तीन गलतियां बार बार करते हैं, तो आपको ये तीन गलतियां नहीं करनी है। और पूजा सामग्री में ऐसी कौन सी सामग्री है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपकी पूजा सामग्री में इन सामग्रियों का होना आवश्यक है। भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? जो लोग चार प्रहर की पूजा करना चाहते हैं, चार प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ समय कौन सा रहेगा? इन सब पर मैं आज आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए विषय पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान शिव की पूजा में तीन गलतियां ऐसी कौन सी है जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अधिकांश देखने में आता है, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो भगवान शिव की जो जलेहरी होती है उसको लांघते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। भगवान शिव की जो परिक्रमा है ये अर्ध प्रदक्षिणा होती है, यानी आधी परिक्रमा ही आपको करनी है। बाईं तरफ से शिव जी की जो जलेहरी होती है, जहां से जल निकलता है, वहां तक जाकर के ही वापस लौट जाना चाहिए। हमेशा भगवान शिव की अर्ध प्रदक्षिणा ही करनी है, जलेहरी को कभी नहीं लांघना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। दूसरी गलती अधिकांश लोग करते हैं, शिवलिंग पर रोली चढ़ाने की गलती। कभी भी शिवलिंग के ऊपर रोली नहीं चढ़ाई जाती, तो भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर विशेष करके रोली कभी ना चढ़ाएं। तीसरी गलती है तुलसी दल कभी भी शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये तीन गलतियां आपको कभी नहीं करनी चाहिए पूजा में। यदि आप करते हैं तो आप अपराध के भागी बनते हैं, क्योंकि भक्ति भी ज्ञान के साथ हो तो फलीभूत होती है। मन मुखी भक्ति अपन मन में ज्वाए वैसा ही करते हैं, तो ऐसी भक्ति से हमेशा उत्पाद खड़े होते हैं, कभी भी मनवांछित जो भी कामना होती है उसकी सिद्धि नहीं हो पाती है। बात करते हैं शिव पूजा में ऐसी कौन सी आवश्यक सामग्रियां हैं जिनका होना आवश्यक होता है। तो देखिए, शिव पूजा में जो भी रोली मोली चावल जो भी सामग्रियां होती है, क्योंकि रोली अन्य जो शिव पंचायत में अन्य देवी देवता होती है उनको तो सबको चढ़ती है, तो जो भी सामग्रियां होती है जो पूजा में हम लेते हैं, पुष्प धूप दीप आदि, ये सब इन सामग्रियों के बीच में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक सामग्री जो होती है वह होना चाहिए भांग, शमी पत्र, धतूरा, बिलपत्र, पंचामृत। पंचामृत आप बना सकते हैं, दूध दही घी शहद शक्कर को मिलाकर के पंचामृत बनाएं। तो यह सामग्रियां होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान शिव इन सामग्रियों से विशेष रूप से प्रसन्न होकर के अपने भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं शिव पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा और इसका व्रत किस तारीख को संपन्न किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का जो व्रत है ये 11 मार्च गुरुवार को संपन्न किया जाएगा और इसकी भगवान भोलेनाथ की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है ये क्या रहेगा? चार प्रहर की जो लोग पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रथम प्रहर की पूजा का जो समय होगा वह रहेगा 6:29 से 9:32 के मध्य। ये प्रथम प्रहर की पूजा इस अवधि में संपन्न की जाएगी। द्वितीय प्रहर की पूजा 9:33 से 12:36 के बीच संपन्न की जाएगी और तृतीय प्रहर मध्यरात्रि 12:37 से 3:40 के मध्य तृतीय प्रहर की पूजा संपन्न की जाएगी और चतुर्थ प्रहर की जो पूजा है
वह 3:41 से 6:43 के बीच संपन्न की जाएगी। इसके मध्य भी जो निश्चित काल जो सबसे उत्तम कहा गया है भगवान शिव की पूजा के लिए, तो उसका एक विशेष समय निश्चित है। यह समय रहेगा 12:12 से 1 बजे के मध्य। ये निश्चित काल का समय है, सर्वोत्तम समय रहता है भगवान शिव की पूजा करके उनका आशीष पाने के लिए। और भगवान शिव के लिए जो भी महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, तो व्रत का जो पारण का शुभ समय होगा ये 12 मार्च का रहेगा। 12 मार्च प्रातः 6:28 से मध्यान्ह 3:05 के बीच आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। प्रयास करें संभव हो तो व्रत का पारण जिस दिन आप करें उससे पहले किसी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा के उसको दान दक्षिणा यथोचित सत्कार से दान दक्षिणा आदि दे करके और उसके पश्चात आप व्रत का पारण करते हैं तो संपूर्ण महाशिवरात्रि व्रत का जो फल होता है वह आपको अवश्य मिलता है। विशेष ध्यान रखने की बात है कि महाशिवरात्रि पुण्य पर्व पर ज्यादा से ज्यादा भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करें, उनका मंत्र जप करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के वेदों में तो बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन वो बहुत क्लिष्ट है, उनको साधारण लोग नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए उनको भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र उसको बार बार पढ़ना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जितना हो सके उतना उस दिन ज्यादा से ज्यादा जपें। झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, दुर्व्यसन करने से बचें, तामसिक पदार्थों का सेवन करने से बचें, दिन में सोने से बचें। इन सब बातों का यदि ध्यान रखते हैं, कोशिश करें कि महाशिवरात्रि की शिव शक्ति के मिलन की रहस्यमयी रात्रि है, तो इस दिन आप जमीन पर चटाई बिछा करके सो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव का स्मरण करें, ऐसा संयमित रहकर के यदि आप शिवरात्रि को मनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका व्रत भी पूर्ण रूप से फलीभूत होगा और इस व्रत का जो संपूर्ण शुभ फल होगा वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। और किसी भी प्रकार की महाशिवरात्रि से जुड़ी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कामना रखते हैं या आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा लक्ष्य है, कोई ऐसी परेशानी है जो बार बार आपको परेशान कर रही है, इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।